नमस्कार, प्रस्तुत है 2020 के वर्ग 8 के बोर्ड एग्जाम के विज्ञान विषय का हल प्रश्न पत्र। 2020 में विज्ञान विषय में 20 प्रश्न थे और मार्क्स भी था 20। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 61, कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं? तो यह है कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव में ऑप्शन नंबर 2। वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है, नॉन मेटल? तो यह है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आप रोज देखते हैं, आपके पेंसिल का जो लीड होता है वो ग्रेफाइट ही होता है। प्रश्न संख्या 63, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? तो यह है जस्ता। जस्ता को पीट के हम लोग पतली चादरों में परिवर्तित कर सकते हैं और इस प्रक्रिया को कहते हैं आघात वर्धनीयता। बाकी जो फास्फोरस है, गंधक है, इसको अगर हम पीटेंगे तो ये भुरभुरा होता है, चादर नहीं बनेगा। प्रश्न संख्या 64 है, यीस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। यीस्ट एक सूक्ष्म जीव होता है जिसका काफी हम लोग प्रयोग करते हैं। तो एल्कोहल के उत्पादन में इसका उपयोग होता है और जो ब्रेड वगैरह हम लोग बनाते हैं उसमें भी ईस्ट का प्रयोग करते हैं। सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? जल में, वायु में, मिट्टी में, इन सभी में पाए जाते हैं। हर जगह सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 66, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। प्रश्न संख्या 67, मलेरिया परजीवी का वाहक है, यह है मादा एनोफिलीज मच्छर। एक और मच्छर होता है मादा एडीज मच्छर जो डेंगू का परजीवी वाहक होता है। सिक्सटी एट है, बल का अंतर्राष्ट्रीय यानी SI मापक है न्यूटन। एक टैडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह है कायांतरण। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है? यह है 7 रंग। मिट्टी को उलटने, पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को कहते हैं जुताई। निम्न में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? यह है सीरियस। टूटता तारा को कहते हैं, आप लोग रात में देखते होंगे कि वो एक टूटता हुआ तारा जैसा दिखता है, वास्तव में वो तारा नहीं होता है, वो होती है उल्काएं जो पृथ्वी के आकर्षण से, शक्ति से वो धरती की ओर आती है और वायुमंडल से उसका जो घर्षण होता है उससे उसमें आग लग जाती है और वो जल जाती है। पृथ्वी में आने से पहले ही वो जल जाती है, जलकर राख बन जाती है। कभी कभी कोई कोई उल्का जो बड़ी बड़े बड़े साइज में होता है वो पृथ्वी पर आ भी जाता है। घर्षण को कम किया जा सकता है तेल से, ग्रीस से, पाउडर से, इनमें से सभी से। पाउडर का उपयोग आप लोग कैरम बोर्ड खेलने में करते होंगे, गाड़ियों में ग्रीस डाला जाता है और इंजन में तेल डाला जाता है,
ये सारे उपाय क्यों किए जाते हैं? ताकि घर्षण को कम किया जा सके। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक रेशे हैं? तो ये है ऊन, बाकी जो तीन है ना ये कृत्रिम रेशे हैं। प्रश्न संख्या 76, अप्रिय ध्वनि को कहते हैं, जो ध्वनि हमें पसंद नहीं आता है उसे हम क्या कहते हैं? शोर कहते हैं। यहां पर देखिए कुछ बच्चे जो है ना कंफ्यूजन, बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है। यहां एक और शब्द दिया हुआ है शोर प्रदूषण, तो ये प्रदूषण का प्रकार है ना, ध्वनि का प्रकार नहीं है। ठीक है, तो यहां शोर होगा। भूकंप मापने के किस उपकरण का उपयोग होता है? तो देखिए यहां भी कंफ्यूजन होता है, रिक्टर पैमाना और भूकंप लेखी। रिक्टर पैमाना एक पैमाना है, यानी ये स्केल है, जैसे लंबाई मापने के लिए पैमाना हम लोग उपयोग करते हैं मीटर का, सेंटीमीटर में, उसी तरह से भूकंप मापने का जो पैमाना है वो रिक्टर पैमाना है, लेकिन जिस उपकरण पर मापा जाता है वो है भूकंप लेखी। इसका और भी नाम है, भूकंप मापी भी इसको बोलते हैं, भूकंप मापी, और इंग्लिश में इसको सिस्मोग्राफ भी कहते हैं, सिस्मोग्राफ। ये तीनों नाम आप याद रखिए, भूकंप मापने का ये उपकरण का ये तीन नाम है, अलग अलग नहीं है, एक ही उपकरण का ये तीन नाम है। प्रश्न संख्या 78, हवा का मुख्य प्रदूषक, प्रदूषण गैस कौन सा है? तो यह है कार्बन मोनोऑक्साइड। वनोन्मूलन का कारण है, जो वन का जो कटाव हो रहा है उसका क्या कारण है? भवन निर्माण, जी हाँ, सड़क निर्माण ये भी है, कागज उद्योग ये भी है, ये कागज भी पेड़ों से ही बनता है, तो इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 80, कौन एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो ये है कपड़ा, ये प्राकृतिक, प्रकृति से हमें नहीं मिलता है, ये कृत्रिम है, मानव इसे बनाता है, इसे मानव निर्मित भी हम कह सकते हैं। तो ये थे 2020 के वर्ग 8 के बोर्ड एग्जाम का विज्ञान विषय का हल प्रश्न पत्र। धन्यवाद।